हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज का हमारा वीडियो का जो मुख्य विषय है वो है कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, अपने जीवन में अपने सारे शौक पूरे करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक चीज़ जो आपके घर में हमेशा उपलब्ध रहती है वो आपके काफ़ी काम आ सकती है। उस चीज़ का नाम है लहसुन। लहसुन का इस्तेमाल कर आप अच्छा खासा धन अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। लहसुन का इस्तेमाल हम खाने के रूप में करते हैं। इसके अलावा लहसुन में बहुत ही औषधीय गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए और हमारे मन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होते हैं। अगर लहसुन की बात करी जाए तो लहसुन के अंदर जितने औषधीय गुण होते हैं उससे ही ज़्यादा ही इसमें जो होते हैं चमत्कारी गुण भी होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लहसुन का इस्तेमाल हमारे पूर्वज अपने तन को स्वस्थ करने के साथ ही इसको वास्तु के रूप में भी इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लहसुन के बारे में ऐसा माना जाता है कि लहसुन के अंदर निगेटिविटी सोखने की ऐसी क्षमता होती है जो अन्य किसी वस्तु में नहीं होती है। अक्सर आपने देखा होगा जिन घरों में नेगेटिविटी रहती है, भूत प्रेत वाली बाधा समस्या रहती है, वहाँ लोग ऐसा करते थे कि लहसुन का जो लेप है वो दरवाजे और खिड़कियों पर लगा देते थे। ऐसा माना जाता है कि लहसुन की स्मेल ऐसी होती है जिससे नकारात्मक एनर्जी और जो बुरी शक्तियाँ हैं वो उस घर से दूर रहती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग सलाह देते हैं कि आपको लहसुन की कली आपको हमेशा अपनी पर्स में रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे माता लक्ष्मी आप पर आकर्षित होती हैं और आपके धर्म आपके जो पर्स में यदि आप लहसुन की कली रखेंगे तो ऐसा हमारा पूर्वज मानते हैं कि आपके जो पर्स है वो कभी पैसों से खाली नहीं होगा और आपके घर में आपके जो पर्स में हमेशा पैसा बना रहेगा। इसके अलावा लहसुन का और भी उपयोग अगर करना चाहते हैं पैसे के रूप में तो आपको एक लहसुन की कली, अगर आपको साबुत लहसुन की एक आड़ी मिल जाती है, पूरा का पूरा जैसे लहसुन आड़ी के रूप में मिलता है बाज़ार में, आपको बिल्कुल साफ़ सुथरी आड़ी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके दो चार जबे दो चार कलियाँ निकली हुई हैं और उठाकर आपको ले आए हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। एक पूरी कली होती है जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो कली होती है इसमें साइड में आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल सेफ होनी चाहिए। इस कली को आप बाज़ार से ले आएँ और शुक्रवार के दिन आप अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। दिन शुक्रवार ही होना चाहिए और शुक्रवार में आप इसको खरीद कर ले आएँ बाज़ार से, बिना टोटे कोई टोके ना आपको, ये ध्यान रखें और माता लक्ष्मी का आपको ध्यान रखकर आपको अपनी तिजोरी में इसको रख देना है। ऐसा करने से आप देखेंगे महीने भर में या हफ्ते भर में आपको अंतर साफ दिखाई देने लगेगा, आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी और माता लक्ष्मी आप पर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहेंगी और आपके जो धन धान्य हैं वो उनको भरती रहेंगी। इसके अलावा लहसुन का इस्तेमाल आप अपनी दवाओं के रूप में भी कर सकते हैं जिससे आपकी जो धन में खर्चा होता है, जैसे हमको बीमारी लगती है, जैसे हमें पेट संबंधित जितनी भी बीमारियां रहती हैं, अगर आप लहसुन का इस्तेमाल एक कली को सुबह शाम खाते हैं तो इससे तमाम बीमारियों से भी आप छुटकारा पा सकते हैं, जिससे होता ये है कि आपकी जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो बच जाता है। जैसे आप बीमारियों में खर्च करते हैं तो अगर आप इसको खाते हैं सुबह शाम तो ये जो खर्चा है एक्स्ट्रा है वो भी बच सकता है। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।